बुलाइए सबको, थोड़ा सा और दूरी बना लीजिए और लोग भी आ। देखिए इसका नाम है जल नीति, ठीक है, जल नीति, नीति क्रिया बोला जाता है, गर्म या ठंडा बता रहे हैं, इसको बोलते हैं जल नीति। एक नीति होता है, नीति में दो प्रकार होता है, एक जल नीति और एक सूत नीति। सूत मीन्स होता है धागा, ठीक है, लेकिन अब सूत नीति नहीं मिलता, उसके जगह पर अब रबड़ नीति आ रहा है, ठीक है, धागा अब नहीं आ रहा है, अब रबड़ वाला चीज वही है पर अब रबड़ वाला आ रहा है, ठीक है। तो नीति का पहला क्रिया है जल नीति। इसका इसमें जो पानी हम लोग यूज किए हैं, ये पानी है सुसुम, ठंडा पानी का प्रयोग नहीं करना है, जब भी करना है तो सुसुम पानी का। अगर इच्छा हो तो इसमें एक चिटकी इसमें आप सेंधा नमक, व्हाइट वाला नहीं, व्हाइट वाला डाले बस तुरंत बीपी हाई हो जाए। पाकिस्तान से जो आता है सेंधा नमक इंडिया में मिलता है, इंडिया में भी है, कहाँ से आ रहा है पाकिस्तान वाला। लेकिन आप लोग सेंधा नमक मत डालिएगा, क्योंकि आप शुरुआत में कीजिएगा तो लगेगा मिर्ची से भी तेज जलेगा, नमक का प्रयोग नहीं करना है बिना नमक के। जब आप लोग का अभ्यास हो जाए तो आप नमक डाल सकते हैं, ठीक है, और खास करके अगर सर्दी हुई हो तो नमक तो बिल्कुल भी मत डालिएगा। कुकुर डाल सकते हैं सर, नहीं तो कुकुर के पूछ में माटी के तेल के गिरता है लगेगा, नाक में जब डालिएगा तो लगेगा कमरिया गोले गोले हो जाए। तो इसका क्या क्या फायदा है, यानी कि सिर, यानी कि इससे ऊपर जितने भी बीमारी है, सिर दर्द, माइग्रेन, अधकपारी, साइनस में सांस लेने में दिक्कत होती है, हड्डी बढ़ जाना, मांस बढ़ गया हो, इन सभी चीज़ों में फायदा। और थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए, और लोग फायदा करेगा सर, हाँ सर्दी, हाँ और थोड़े से पीछे बढ़िए सभी लोग आ जाए, ठीक है। जिसको सर्दी की हमेशा बीमारी रहती हो, हमेशा पानी चूता रहता है, हमेशा सर्दी होता है, उसके लिए तो और रामबाण है। यानी कुल मिला के आपके सांस से जितनी भी बीमारी है वो सारे चीज़ आपको ठीक करता है। अगर किसी को सिर दर्द, माइग्रेन, अधिकापारी की समस्या है, अभी कीजिएगा, देखिए अभी का अभी खत्म कर दीजिए सर्दी। इसका जो मतलब इसका बेनिफिट क्या है ना, आज से अभी से मिलना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि योगा के तरह आज कीजिएगा तो परसों मिलेगा, नहीं, आज कीजिएगा आज से ही मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सप्ले का फोटो ले लीजिए कोई अपने मोबाइल से, वीडियो देखिए। इसमें करना कैसे है इस चीज़ का जान लीजिए, फोटो ले लीजिए। नाक का प्रयोग सांस लेने में नहीं करना है, मुंह से सांस लेना है, मुंह से सांस छोड़ना है, उलार गिरे, पानी गिरे, सब गिरने दीजिएगा। और टेंशन में नहीं करना, प्रेशर में नहीं, बाप रे बाप, नहीं था थोड़ा सा टेंशन, एकदम रिलैक्स होकर करना है, नहीं तो क्या होगा, पानी सरके का थोड़ा सा चांस है, सरकता है तो डरने वाली बात में पानी निकल जाएगा, उसका तरीका है। तो करेंगे कैसे ये देखिएगा ध्यान से, हॉस्टल के बाहर यहाँ पे हो रहा है, सबक देखिए जाके बस हो जा रहे हैं, थोड़ी चाय पहले यहाँ आइए, ठीक है एक नाक से हुआ, अब दूसरे नाक से इनको प्रैक्टिस ऑन है ना,
अरे यहाँ हो रहा है फोटो मन पूरा तो घर ही पे रखा हुआ ज्यादा छुट्टी के लिए शांत नहीं ना रहता है बदमाशी करता और फिर वही जल वहाँ गई है तो वहाँ ऐसा बन जाए सांस लेते हैं उस सांस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं अंदर ठीक है ना वो हमारे शरीर के लिए क्या होता है नुकसानदायक वो सारी चीज़ क्लियर हो जाती है ये हो गया हमारा जल नेति अब इसके बाद हम लोग करेंगे आई वॉश यानी कि इसको बोलते हैं नेत्र प्रक्षालन ठीक है तो बोलो वहाँ गिलास में पानी लेते हैं वहाँ रखा हुआ वहाँ बाहर पानी रखा हुआ वहाँ गिलास समझ गए ना कल का फ्रिज का पानी नहीं नॉर्मल पानी इससे क्या फायदा है इसको पहले जाने इसको बोलते हैं नेत्र प्रक्षालन विधि ठीक है आँख से संबंधित कोई भी दिक्कत है जो चश्मा लगा रहे खास करके कभी भी ध्यान रखिएगा शौक से चश्मा नहीं लगाना चाहिए नहीं सर शौक से चश्मा लगा रहे हैं तो क्या होगा कि आप जो आपको जो दिखाई जो देना चाहिए उस पर बाधा आ जा रही है अगर मान लीजिए कि हम बोले सामने दीवार देखिए बीच में हम उंगली खड़ा कर दें तो आप देखिएगा नहीं देखिएगा तो क्या होगा कि आँख पर जोड़ पड़ेगा ना शौक से लगा रहे हैं तो कभी भी नहीं लगा रहे भाई फोटो खिंचाना हो तो लगा लीजिए ठीक है जिसका नज़र ख़राब हो दूरी और नज़दीकी उसके लिए भी बहुत बढ़िया है आँख से पानी जुटता हो खुजली हो नींद नहीं आती है टेंशन हो यस सर और ये आई वॉश दोनों काम करता है लेकिन सो करेंगे कैसे ये पानी भर लिए आँखें में चिपका लेंगे आँख खोल के रखना है बंद नहीं करना है आँख खोल के रखेंगे और आँख को गोल गोल घुमाना है क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज दोनों में आँख खुली है और इसे गोल गोल घुमाएंगे आँख खोल के जब ये लगे कि पानी गर्म हो गया है तो चेंज कर देगा पानी गर्म हो गया है सही गर्म हो फ्रिज के चूल्हा तो गर्म जैसे उधर ही लेकिन इसका जो है ना आभास होने लग रहा है दूसरे आँख से क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज दोनों को घुमाना है कम से कम पांच बार घुमाना है एक एक करके पांच बार इससे पांच बार इससे पहले एक बार इससे कर लीजिए फिर इससे कर लीजिए फिर इससे कर लीजिए ये पानी अब गर्म हो गया है इसको भी हाथ से नहीं पोछना कभी कपड़े से ही पोछना है कपड़ा साफ होना चाहिए ये हो गया होगा ना समझ में आ गई देखिए आप लोग के ग्रुप में एक लिंक भेजे हैं मेरा